वाले ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, लेफ्ट और राइट के एंगल भी इक्वल होंगे। अगर हम इसकी और एग्जांपल लें, सीजर्स, सीजर्स को जब आप ओपन करो तो आप देखते हो कि उसको ओपन करो तो उसमें भी तो एंगल्स बनते हैं डेट आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए, वेन द टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर। क्लियर, हमने कितने तरह के एंगल्स पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और एक हमने पेयर पढ़ा लीनियर पेयर, वो भी एडजेसेंट एंगल्स का ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्टिकली ऑपोजिट के बाहर पेयर ऑफ लाइन्स, लाइन्स कैसी हैं, लाइन्स में सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दो लाइन किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उन लाइन्स को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो राइट डाउन, टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट, कब करेंगे दो लाइन्स इंटरसेक्ट, टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट इफ दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, इफ दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। मान लीजिए ये दो लाइन्स हैं ए बी सी डी, लाइन है ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों लाइन्स में एक पॉइंट ओ कॉमन है, इसलिए ये दोनों लाइन्स ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। कोई भी दो लाइन्स अगर उनमें एक पॉइंट कॉमन है जहां वो मिलेंगी तो टच कर रही है एक दूसरे को, मीन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स वो होंगी जिनमें एक पॉइंट कॉमन होगा। क्लियर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन्स। एक और एग्जांपल लें इंटरसेक्टिंग लाइन्स की, तो दिस वाई, अगर एक लाइन है ए ओ बी ओ सी, इनमें एक पॉइंट है कॉमन ओ, तो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइन्स, ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है ए, दूसरी लाइन है बी, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर पॉइंट्स, मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये लाइन इसको ओ पे और इसको बी पे मान लो कट कर रही है, तो ये लाइन जो होगी, मान लिया हमने इसका नाम दे दिया लाइन सी, तो दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट्स पे मिलती है, कट करती है, उसे कहेंगे ट्रांसवर्सल। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या थी, वो एक ही पॉइंट पे दोनों लाइंस मिलेंगी, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस। क्लियर है, अब हमने लाइंस के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन।
कौन से एंगल बनाती है? यही हम दोबारा से लेते हैं फिगर ए बी सी एक्स एज अ ट्रांसवर्सल। इन एंगल्स को हम नाम दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। अब अगर हम देखेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन कौन कौन से एंगल्स बनाती है, इंटीरियर एंगल बनाएगी जो लाइंस के अंदर की तरफ बने हो, एक्सटीरियर एंगल बनाएगी जो लाइन के बाहर की तरफ बने हो। पहले डिस्कस करते हैं इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कौन से हैं जो लाइन के अंदर की तरफ बने हैं? एक लाइन है ए, एक लाइन है बी, इनके अंदर की तरफ एंगल कौन से बने हैं? एंगल 3, 4, 5 and 6। दीज आर इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर जो लाइन के बाहर बने हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 and एंगल 8। दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। इसके बाद पढ़ेंगे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बने, उनका वर्टेक्स डिफरेंट हो, उन्हें कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल की सेम तरफ जो बने एंगल्स हैं, दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कौन सा है? 1 and 5। 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 2 और 6 सेम साइड बने हैं। अब अगर ये देखे 3 और 7, ये नीचे की तरफ बन रहे हैं ट्रांसवर्सल की एक साइड पे, तो एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 4, एंगल 8। सो दीज आर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? डिफरेंट वर्टिसेस, जो इनके वर्टिसेस डिफरेंट हैं। सेकेंड कंडीशन है आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांस वर्सल। यहां भी लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, डिफरेंट वर्टिसेस, डिफरेंट है वर्टिसेस दोनों केसेस में, एक एंगल का वर्टिसेस है ये, दूसरे का है ये, एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल्स हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिनके अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, वो एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने हैं, सेम साइड पे हैं, बट उनके वर्टिसेस डिफरेंट है, वो एंगल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जो कि ऑपोजिट साइड ऑफ वर्टिसेस, सॉरी ट्रांसवर्सल, ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो। ये तो हमने पढ़ा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि सेम साइड पे हैं और डिफरेंट वर्टिसेस हैं। अब हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ते हैं। ये टू लाइंस हैं पैरेलल ए एंड बी, एक ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है सी, ये एंगल बना यहां पे और ये बना यहां पे, ऑपोजिट साइड पे है, वर्टिसेस भी डिफरेंट है, तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो राइट डाउन, हैव डिफरेंट वर्टिसेस, हैव डिफरेंट वर्टिसेस होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, एंड आर ऑन opposite side of transversal, are on
साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे बनेंगे। तो ये कौन से एंगल है, एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स, एंगल थ्री एंगल सिक्स, और कौन सा है जो ऑपोजिट साइड पे बने हैं, फोर। यहां पे अगर हम देखें फोर, और इस तरफ इधर इसका एंगल, उसका नाम है फाइव, एंगल फोर एंड एंगल फाइव। तो हमने पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करी है, तो ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल्स बना रही है वो डिस्कस किया है। इंटीरियर एंगल जो दोनों लाइंस के अंदर की तरफ होंगे, एक्सटीरियर एंगल दो पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ बनेंगे, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डिफरेंट वर्टिसेस होंगे बट जो ट्रांसवर्सल है उसकी सेम साइड पे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वर्टिसेस तो इस केस में भी डिफरेंट होंगे, इसकी कंडीशन है कि ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नाउ नेक्स्ट इज पेयर ऑफ alternate exterior angles, pair of alternate exterior angles, alternate exterior angles हो गए जो बाहर की तरफ बने हैं और opposite direction में, जैसे एक angle हो गया ये और एक angle ये, ये बाहर की तरफ दोनों एंगल्स बने हैं और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट में बने हैं, तो एंगल वन एंड एट, एंगल टू एंड एंगल सेवन, तो हो गए एंगल वन एंगल एट एंगल टू एंड एंगल सेवन, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर। अब एक बात और, नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसमें कौन से आएंगे, इंटीरियर एंगल मींस अंदर की तरफ हो और ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो, जैसे टू लाइंस हैं पैरेलल ए एंड बी, सी इज द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर मींस अंदर की तरफ बनेंगे, आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल हो गए थ्री एंड फाइव, फोर एंड सिक्स। क्लियर। इंटीरियर एंगल्स हैं बट ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो क्या कंडीशन है कि वो ट्रांसवर्सल होगी। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस दो लाइंस हैं पैरेलल। अब हमें कैसे पता लगेगा जो लाइन पैरेलल लाइंस को कट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो ट्रांसवर्सल है। सो राइट डाउन, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, इफ two parallel lines are cut by transversal, तो उनके जो corresponding angles हैं equal होने चाहिए। corresponding angle कौन से, जो same side of transversal बने हैं वो equal होने चाहिए, alternate interior angles equal होने चाहिए, and angles on the same side
साइड ऑफ ट्रांसवर्सल शुड बी सप्लीमेंट्री. अगर तीनों केसेस है ट्रू, अगर लाइंस तो जो दोनों लाइंस हैं पैरेलल उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी. सो राइट डाउन, ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. नंबर टू, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री. ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री. ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, इट मीन्स जो गिवन लाइन पैरेलल लाइंस को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, जो लाइन उन्हें कट कर रही है वो ट्रांसवर्सल है. उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल शुड बी सप्लीमेंट्री. अब अगर हमें रिवर्स प्रूफ करना है कि एक लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, हमें प्रूफ करना है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है. तो पैरेलल लाइंस, दोनों लाइंस को हमें पैरेलल लाइंस प्रूफ करना है. व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. Then two lines are parallel. Means इस केस में हमें प्रूफ करना है A और B दोनों lines parallel है. अगर alternate interior angles इस केस में equal होते हैं तो दोनों lines क्या होंगी? Parallel. दूसरी condition क्या है? Pair of interior angle on same side of, pair of interior angles on same side of transversal are supplementary, then two lines are parallel. और अगर pair of corresponding angle equal है तब भी दोनों lines parallel होंगी. Pair of corresponding angles are equal, then two lines are parallel. So this is all about the introduction of the chapter lines and angles. एक बार दोबारा से quick recap देखते हैं इसका कि क्या क्या हमने पढ़ा. सबसे पहले हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट जिसके की दो एंड पॉइंट्स होंगे. फिर हमने पढ़ा लाइन विच हैज नो एंड पॉइंट्स. हम लाइन को दोनों डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा एंगल्स के बारे में. एंगल्स कैसे बनते हैं? अगर कोई दो लाइन सेगमेंट्स किसी एक पॉइंट पे मीट होते हैं तो एंगल बनेगा, या दो लाइंस मीट होती हैं तो एंगल बनेगा. When two line segments or two lines meet at a point, then the angles are formed. Angles three type के, acute angle, obtuse angle and right angle.
acute angle less than 90, obtuse angle greater than 90, right angle equal to 90. उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब कहेंगे जब उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा. ज्यादातर जो एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री होगा तभी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. एक एंगल को दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. इसमें कौन से एंगल आते हैं? एक्यूट एंगल्स. लेकिन उन एक्यूट एंगल्स का सम 90 होना चाहिए तभी वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा हमने. सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री तब कहेंगे जब उनका सम 180 डिग्री हो. वो एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, एक एक्यूट एंगल हो सकता है, या दोनों राइट एंगल्स हो सकते हैं. कोई भी लेकिन ऑब्ट्यूज हो या एक्यूट हो उनका सम 180 डिग्री होना जरूरी है. नेम द एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ इज 45 एंड नेम द एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ इज 90 डिग्री. क्लियर? तो एक एंगल को दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट कहा जाएगा. उसके बाद हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल मींस एंगल्स दैट लाई नेक्स्ट टू अदर, नेक्स्ट टू वन, कि एक के जो साथ में ही एंगल लाया करे, नेक्स्ट टू वन, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. दे शुड हैव कॉमन वर्टेक्स, वर्टिसेस, कॉमन आर्म, बट नॉन कॉमन आर्म जो है वो किसी भी साइड पे हो सकती है. लीनियर पेयर होता है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, बट जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे विल लाई वर्टिकली ओपोजिट टू ईच अदर. एंगल बनेगा 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल जो है लीनियर पेयर बनाएंगे अगर वो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे तो. उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स. अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और वो हमेशा इक्वल होते हैं. उसके बाद हम